प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आजकल आर्मी के अंदर जैसे कलर्क है, सफाई वाला है, वाशरमैन है, टेलर है, एमटीएस है, इन सब को आजकल फौजियों की बजाय सिविलियन को भर्ती किया जा रहा है। आजकल डिफेंस के अंदर सिविलियन की बहुत ज़्यादा भर्तियां चल रही हैं। पहले वेस्टर्न कमांड अम्बाला में था, अभी साउथ कमांड पूना के अंदर चल रहा है। महू कॉलेज के अंदर भर्ती था, अंडेमान निकोबार में था, अभी दो भर्तियाँ और आई हैं। 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, 39 गोरखा रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरी भर्ती आई है 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सोलन हिमाचल प्रदेश में शिमला हिल के अंदर। ये वैकेंसियां हैं, ये वैकेंसियां सफाई वाला, एमटीएस, वाशरमैन, पेंटर, एलडीसी, काफ़ी वैकेंसियां हैं। इन दोनों वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और आपको अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप क्रोम के ऊपर जाना, क्रोम के ऊपर लिखना जोशी रेजिमेंट 14 गोरखा रेजिमेंट रिक्रूटमेंट एलडीसी, या 39 गोरखा रेजिमेंट रिक्रूटमेंट एलडीसी एमटीएस, पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। इनके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं और 12वीं पास, एज लिमिट है 18 साल से लेके 25 साल तक, कोई भी फिजिकल नहीं होगा, कोई भी आपका हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपका एक रिटन एग्जाम होगा। ये सिविलियन तौर पे भर्ती है, एज लिमिट है 18 साल से लेके 25 साल तक। दोस्तों इनके ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं, जैसे आप फार्म भरोगे 39 गोरखा रेजिमेंट के अंदर आप फार्म अप्लाई करोगे तो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर मांगा गया है, उसके अंदर है एडवर्टाइज नंबर 1083/MISC/A4 और डेट लिख देना 3/10/2023। और जो 14 गोरखा रेजिमेंट के अंदर, उसके अंदर सिर्फ एक फार्म है, उसके ऊपर दो फोटो लगेंगे, एक फोटो आपने साथ में भेज देना है और स्पीड पोस्ट इसको रजिस्ट्री कराना है। 14 गोरखा रेजिमेंट के फार्म को आपने सिर्फ रजिस्ट्री कराना है, न स्पीड पोस्ट करना, न नॉर्मल डाक से भेजना। बाकी 39 वाले को आप स्पीड पोस्ट करा सकते हो, पीडीएफ करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, रजिस्ट्री करा सकते हो। जो फार्म भेजोगे उसके अंदर एक लिफाफा डालना जिसके ऊपर ₹25 का टिकट लगा के डालना है, उसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। और बाहर वाले पे बड़ा लिफाफा है उसको आप 14 गोरखा वाले को तो रजिस्ट्री कराना है, 39 वाले को आप रजिस्ट्री करा सकते हो, स्पीड पोस्ट करा सकते हो, नॉर्मल डाक से भी भेज सकते हो। तो दोस्तों ये दो भर्तियाँ आई हैं, ज़बरदस्त भर्तियाँ, सिविलियन की भर्तियाँ हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, इसके अंदर फार्म ऑफलाइन भर सकते हो, आपको ये फार्म भर के भेजना पड़ेगा। जो हिमाचल के अंदर आई है उसके अंदर नए तो आपका मेडिकल मांगा गया है, सिर्फ एक फार्म है उसी को भरना है। जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है उसको, उसके अंदर आपको मेडिकल भी भेजना है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या MBBS से। दोस्तों ₹250 आपसे फीस ले सकता है, उन्हीं के पास इसका परफॉर्मा रहता है जिसके अंदर लिखा जाएगा आपका आई साइज क्या है, आंखों का साइज क्या है, 6x6 है, 6x9 है, आप फिजिकल फिट हो, ये सब लिख के डॉक्टर साहब स्टैंप लगा के दे देगा, उसके ऊपर आप अपना फ़ोटो भी चिपकाना। तो दोस्तों पूरी डिटेल हमने बता दी है, फिर भी कुछ आपको न समझ में आए तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल और है फौजी मोटिवेशनल, उसके ऊपर आप जाके ये पूरी वीडियो की डिटेल देख सकते हो।